लोग तो अभी हम बनारस में हैं। तो कल रात को ही बनारस पहुंच गए थे। तो एक मंदिर था, उसके बगल में भैया मिले, तो ये सारा इंतजाम करवा दिए थे। तो बनारस निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इधर ठंड है भाई, एकदम हाथ यहाँ से अभी 220 किलोमीटर है। अगर हम लोग आजमगढ़ से जाते तो उधर 160 किलोमीटर पड़ता है आजमगढ़ से, लेकिन अभी हम बनारस आ गए हैं। तो अभी बनारस से जा रहे हैं, यहाँ से 224 किलोमीटर है। तो 2 दिन का टारगेट है, देखिए अब 2 दिन में पूरा होता है कि नहीं भाई। कल तो 111 किलोमीटर आए थे, कुंडेसर से 111 किलोमीटर पड़ता है, तो 111 किलोमीटर आ गए। सोचे थे वाराणसी में दर्शन करेंगे भाई, लेकिन थोड़ा पहुँचना है इसलिए अब बाद में आएंगे वाराणसी। अभी निकल रहे हैं। जय श्री राम भाई लोग, बने रहिए हमारे साथ। अब ये क्या है भाई बनारस में, इसका नाम बताइए आपका। चौखंडी स्तूप नाम है इसका भाई, चौखंडी स्तूप देख सकते हैं। आसम निकल गए हैं, अब हम सभी जा रहे थे यहाँ पे, अभी रुकवा कर दिया है, दर्शन लाए हैं, पी लिए, वहाँ से अभी निकलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकल गए हम तो अभी, निकल कौन सा पार्क है, बहुत बढ़िया हम भाई लोग। तो अभी यहाँ हम हाईवे पे हिल चुके हैं, यहाँ से अभी 68 किलोमीटर है जौनपुर, 63 किलोमीटर लगता है, 63 किलोमीटर जौनपुर है। यहाँ से जौनपुर निकलेंगे, जौनपुर से आगे देखा जाएगा। तो एकदम बने रहिए हमारे साथ। वो एक है जो पीछे हमारे जा रहे हैं अभी, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा एकदम, बात एकदम काम नहीं कर रहा एकदम। देख सकते ग्लव्स पहन के रखे, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं है, फिर भी जा रहे राम के नाम दे के, बने रहे यहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम भाई लोग। काम तो अभी आगे रहते थे, इंडियन ऑयल का एकदम एजेंसी है पूरा, जहाँ पर तेल उल सप्लाई होता है लगता है। ये खाली इंडियन का ट्रक है, इंडियन सिलेंडर का ट्रक लगा हुआ है गैस का, खाली उसी का तेल मिलेगा। इंडियन ऑयल का प्लांट है यहाँ, इंडियन ऑयल का प्लांट है। यहाँ सब पिंडर गांव पे है, इधर मार्केट में यहाँ पर रुके तो काफ़ी है। अभी जैकेट ले रहा था राहुल, तो वहीं पर रुक गए, अब देख सकते हैं यहाँ पे। दस के बजे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से निकलेंगे जौनपुर के लिए, जौनपुर से फिर आगे निकल जाएंगे। जय श्री राम। जो भाई जो चाप के महादेव, अब हम यहाँ से आप निकलेंगे जौनपुर के लिए। गाज के बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। आप यहाँ से निकल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। निकल गए तो यहाँ से जा रहे हैं जौनपुर, अब जौनपुर जय श्री राम, जय श्री राम। जा रहे हैं हम लोग,
अरे द स्केटिंग करते हुए तो आगे देखिए कुछ पैदल यात्रा कर रहे हैं अयोध्या के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए भैया लोग आइए आगे रुकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आगे रुकते हैं, इन सब से मिलेंगे। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भाई लोग। तो हम सब जा रहे थे अभी जौनपुर की ओर, तो भैया पैदल यात्रा है। जय श्री राम, इन सब को लगता है जय श्री राम, जय श्री राम। 10-15 दिन से निकले चलते हैं पैदल यात्रा भाई लोग। सपोर्ट कीजिए, सबका चैनल का लिंक अच्छी डाल देंगे। एक बार कस के बोलिए जय श्री राम। अभी भाई लोग से अयोध्या में मिलेंगे सब साथ में, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम भाई लोग। तो हम सब अभी जा रहे थे जौनपुर की तरफ, तो रास्ते में एक ढाबा मिला, तो वहाँ पे गए से ही दो भैया निकले थे एक रनिंग करते हुए। भैया साइकिल से सपोर्ट में थे, एक रनिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ये देखिए, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हम देखे साइकिल से तो हम सब रुक गए, सोचे कि मिल के ही जाते हैं। खाना खाने के लिए रुक गए, इसके बाद लिख लेंगे हम सब। आज कितना दूर जाऊंगा दौड़ते हुए, और आज अभी मुझे 30 किलोमीटर और जाना है, और साथ में दो भाई भी मिल गए हैं जो गए से ही हैं, और सब पास से कोल नहीं कहीं है। मेरा भैया का दोस्त है ये, मेरा भैया और ये साथ में रनिंग करते हैं। मेरे भैया साथ कर रही हैं, हम लोग आगे निकल गए थे। ये भैया बोले बोला जय श्री राम भाई लोग, फिर मिलिए आप आगे। जय जय श्री राम। बदलापुर आए थे, तो यहाँ पे ये अंकल मिले तो बोले कि चलो वहाँ पे बढ़िया तरह से खाना पीना खाओ, उसके बाद इनके घर पे आए हैं। तो ये अध्यक्ष लगता है बीजेपी के अध्यक्ष, तो यहीं पे रुके रात भर। फिर कल सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी है बाहर, तो सुबह निकलेंगे 7-8 बजे के लगभग में। फिर 125 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है अयोध्या, तो कल सोचेंगे रात तक 9-10 बजे तक अयोध्या पहुँच जाए। जय श्री राम।